गणित एक ऐसा विषय है जो अच्छे अच्छों का पसीना बहा देता है। एग्जाम्स में लोगों को डर सबसे अधिक मैथ से ही लगता है, लेकिन ऐसे में अगर हम आपको कहें कि दो बच्चे हैं जो कि फोर्थ क्लास में होते हुए 8th और 9th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको जानकर कैसा लगेगा। हम आपको ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि उन दो बच्चों से मिलवा भी रहे हैं। जी हाँ, विराट और विराज हमारे साथ है, जिसे आज हर कोई द मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया के नाम से पहचानता है। सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि विराट कौन है और विराज कौन है, एक एक करके बताना। मैं विराज हूँ। ओके। और मैं विराट हूँ। ओके। कौन सी क्लास में पढ़ते हो दोनों? हम फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। फोर्थ क्लास? मैं भी। सेम क्लास? ठीक है। आपको मैं बता दूं कि विराट और विराज दोनों ही फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। दोनों जुड़वा भाई और 9 साल के हैं, मात्र 9 साल के, लेकिन इनकी उपलब्धियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद ही 9 साल में आपने कभी भी इतने स्मार्ट बच्चे देखे होंगे। विराट और विराज के नाम 19 रिकॉर्ड दर्ज है, और इन 19 रिकॉर्ड्स के कारण ही विराट और विराज को द मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई है। सबसे पहले तो इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि इन्हें क्या कुछ पता है, आपको हम बता दें कि विराट और विराज को 500 तक के टेबल्स आते हैं। हमने और आपने आज तक 10, 20 और 30 तक के टेबल्स याद रखे होंगे, लेकिन विराट और विराज दोनों को ही 500 तक के टेबल्स आते हैं ना। ठीक है, चलिए तो आज हम कौन सा टेबल सुने आपसे? जस्ट ये एक ट्रायल है, क्योंकि 19 रिकॉर्ड्स अपने नाम जो दर्ज कर चुके हैं उनसे हम एक ट्रायल लेते हैं कि अगर हम आपसे 220 का टेबल सुनना चाहें तो बता पाएंगे? ठीक है। 220, 440, 660, 880, 1110, 1320, 1540, 1760, 1980, 2200। ओह, इतना जल्दी कैसे याद किया इतनी जल्दी? हम मैं इसको लिखते जाता था और इसको हर रोज सुनाते जाता था। हम लोग दोनों ही दूसरे को सुनाते थे, लिखते थे, इसलिए मन में इसका इम्प्रेशन बन गया, और कभी अटकते थे तो जोड़ देते थे। अच्छा, अब विराज ना, विराज से हम 420 का टेबल सुन लेते हैं, बता पाएंगे ना? चलो विराज सुनाओ तो 420 का टेबल, क्योंकि इतनी जल्दी बोल रहे हैं कि ये टेबल तो ठीक जा रहा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि 420 और 220 का टेबल्स में कितने काउंटिंग्स होते हैं, तो आराम से बताना है ना। 420, 840, 1260, 1680, 2100, 2520, 2940, 3360, 3780, 4200। वेरी गुड। खाली 42 का टेबल पर है और इसमें एक जीरो लगा दिए। तो ये ट्रिक है आपका। ओके, तो ये इस ट्रिक के साथ मैथ्स को आसान बना देते हैं। अच्छा विराज और विराट, आजकल जो है ना बच्चे मैथ से काफ़ी डरते हैं, लेकिन आप लोग मैथ से इतना ज़्यादा, आप लोग कनेक्टेड कैसे हैं? लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो हम लोग घर में बैठ के कैरम खेल रहे थे, तो कैरम खेलते खेलते हम लोग देखे कि वाइट गोटी 20 होता है, ब्लैक गोटी 10 होता है, तो हम लोग काउंटिंग करते गए, पहले फिर स्किप काउंटिंग आया, फिर हम लोग वेव्स किए, हवा में ऐड किए, जैसे कि 14+2, 4+2, 6 और 1, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग का कैलकुलेशन फास्ट हो गया। अच्छा, तो इसमें हेल्प कौन करता है आप लोगों की? पापा जी, टीचर। अच्छा, पापा टीचर है? हाँ, मैथ्स के टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं। आप लोगों को पढ़ाते हैं? ठीक है। अच्छा, जो पापा अगर आप लोगों को पढ़ाते हैं तो कुछ ट्रिक्स भी देते होंगे जिससे कि हाँ, मैथ्स काफ़ी आसान आप लोगों को लगने लगता है। हाँ, पर टेबल्स में कोई ट्रिक्स नहीं लगाते हैं हम लोग, जोड़ घटाव करते हैं। जोड़ घटाव करते हैं। हाँ, और हम लोग इतना सारा टेबल्स लिखे हैं कि हम लोग का भी दिमाग में कोई कोई टेबल्स याद हो गया है। अच्छा, तो याद 500 तक का टेबल्स तो पूरा याद है ना? हाँ, 500 तक का टेबल्स याद है पूरा। ठीक है। अभी जैसे कि आपको 500 तक का स्क्वायर भी आता है, क्यूब भी आता है, 8 तक का मैथ सॉल्व कर लेते हैं आप लोग? हाँ। तो 8 तक का मैथ सॉल्व करने के लिए बुक्स मंगवाते हैं या फिर? नहीं, मेरे पापा जी कोचिंग खोले हैं, वहीं पर हम लोग जाते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं 5, 6, 7, 8 का बुक्स। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स के साथ, 8 क्लास के स्टूडेंट्स के साथ आप लोग बैठकर पढ़ाई करते हैं। चलिए, तो विराज, जैसे कि विराट ने बताया कि 8 तक के स्टूडेंट के साथ आप लोग क्लास में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो उनसे फास्ट मैथ सॉल्व करते हैं कि उनसे स्लो? कभी कभी उनसे फास्ट भी करते हैं और कभी कभी उनसे स्लो भी करते हैं। अच्छा, तो कब से आप लोगों का मैथ्स के प्रति इतना लगाव बढ़ा है? लॉकडाउन से। लॉकडाउन से पहले मैथ्स
होता था? लॉकडाउन से पहले हम लोग को 4 तक का टेबल होता था, 4 बस, और उसके बाद 4 से 500 तक कितना टाइम लगा याद करने में 500 तक का टेबल्स? कम से कम 6 महीना. 6 महीने. और उसके अलावा हम लोग सब मैथ कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन और ये सब बेसिक कर किए बेसिक किए हैं. अच्छा, अगर हम आप लोगों से पूछे कि 8 तक के मैथ्स में क्या क्या आप लोग सॉल्व किए हैं अब तक 8 या 9 तक के मैथ्स में, तो बता पाएंगे कि क्या क्या सॉल्व आपने हाँ, किया है? हम लोग पहले सॉल्व किए हैं पेरीमीटर एंड एरिया. अगर पेरीमीटर इज़ द मेजरमेंट ऑफ आउटर बाउंड्री. अगर हम लोग को स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो अगर ये एक स्क्वायर होगा इसका यहाँ पर ये चेक करेंगे, ये वो आउटर बाउंड्री इसका पूरा चेक करेंगे और उसका पेरीमीटर होता है 4x. ओके, तो ये सारा कुछ पापा आप लोगों को हाँ, बताते हैं सब. अच्छा, लॉकडाउन से पहले आप लोगों का मैथ्स कैसा था? 4 तक का टेबल से आता, मैथ्स के प्रति उतना इंटरेस्ट था? लॉकडाउन के पहले नहीं, लॉकडाउन के टाइम ही आपने ये सारा कुछ सीखा है? लॉकडाउन के पहले हम लोग 5 साल के थे, कुछ मैथ्स का आता नहीं कुछ था, आता नहीं था. और उसके बाद फिर धीरे 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 मैथ्स से प्यार हो गया. चलिए, तो अब विराट आप लोग अभी 9 साल के हैं और 8 तक का मैथ्स आप लोगों को आता है, सारा कुछ पता है आप लोगों को, तो मतलब 8 क्लास में जाएंगे तो फिर कौन सी क्लास का मैथ्स आप लोग सॉल्व करेंगे? फिर पापा बोले कि IIT निकाल देना. अच्छा, IIT निकालना है. आपका मन है कि पापा बोल रहे हैं? नहीं, मेरा भी मन है. आपका मन है और आपका? मेरा भी बहुत. अच्छा, तो दोनों साथ में IIT निकालेंगे. चलिए, तो साइंस से भी प्यार है कि बस मैथ्स? नहीं, हम लोग को सब सब्जेक्ट से प्यार, सारे सब्जेक्ट, लेकिन मैथ्स में मास्टर बन चुके हैं. चलिए विराट और विराज, अगर आप लोगों को रिकॉर्ड्स याद हैं अपने, तो कहाँ कहाँ आप अपने रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं? हमको सब रिकॉर्ड याद नहीं है, हमको थोड़े थोड़े याद है. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, फिर OMG हो गया, फिर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. अच्छा, ये सारे रिकॉर्ड जब बनाने के लिए आप जाते तो आपसे क्या क्या, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी, तो क्या क्या आपसे पूछा जाता है, क्या कैसे टेस्ट किया जाता है? मतलब कि हमको 1 से 100 तक का टेबल्स उल्टा सुनाए थे OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 1 से 75 तक का टेबल्स, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमको 3 डिजिट का क्यूब दिया हुआ था और हमको 1 मिनट में 15 बोलना था, लेकिन हम बोल दिए 22, और उसको 1 मिनट में 12 बोला था स्क्वायर, वो बोल दिया 26. ओके, और आप लोग दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, जुड़वा हाँ, भाई हाँ, कभी अलग अलग नहीं करते, कभी अलग अलग नहीं करते. ऐसे कोई किसी को कन्फ्यूजन होता है कि विराट कौन है, विराज हाँ, कौन हाँ, है हाँ? हम लोग के फ्रेंड्स को भी होता है, टीचर्स को भी होता है. ओके, तो फिर आप लोग क्लियर करते हैं कन्फ्यूजन. ऐसा है कि कभी मैथ्स में किसी का ज़्यादा नंबर आया, किसी का कम? इस फाइनल एग्जाम में हम लोग का मैथ्स में 100 आए दोनों का. हाँ, दोनों का. हाँ, सेम. Okay. हम लोग अलग अलग बैठते हैं पर नंबर सेम आया है. सेम ही आया, खाली एक नंबर के लिए मेरा कम हो गया है. अच्छा, SST में. ओके, 96 आ गया, उसका 97 आया. मेरा नॉलेज भी आप लोगों का काफी अच्छा है. 99 था नॉलेज हम लोगों का, 90 मेरा 95 से कम नहीं आया. अच्छा, GK में क्या क्या आता है? हमको आता है सबका, सब कंट्री का कैपिटल. अच्छा, इंडिया का तो बहुत ही, न्यू दिल्ली. ओके, और किसका किसका आता है? और भी आता है, अफगानिस्तान का, काबुल, अल्बानिया का, तिराना, और ये और हम लोग को कैपिटल से याद है, आप पूछिए कंट्री तो हम लोग बोल देंगे. ओके, इतनी कंट्रीज मुझे याद नहीं जितने कि 200 कैपिटल्स इन लोगों ने याद करके रखे. तो GK में भी आपको कुछ रिकॉर्ड्स बनाने हैं? हाँ, बनाएंगे. बनाना है हाँ. तो GK की भी पढ़ाई पापा करवाते हैं? हाँ, सर, मैथ के साथ GK. कभी कभी मैथ्स में कोई आ गया कि वो कंट्री में 86 लोग हैं तो उस कंट्री में कितना होगा, तो वो कंट्री का नाम होगा तो उसका कैपिटल पूछ लेते. अच्छा, तो साथ में ही चल रहा है? हाँ, साथ साथ में सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं, साइंस बच्चों को पढ़ाते भी हैं. कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? ये नहीं, 12th तक पढ़ा लेते हैं. ट्यूशन लेते हैं प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर. कितने बच्चों को पढ़ाते हैं अभी? हमको गिनती में नहीं पता, पर आते हैं बहुत सारे बच्चे. आपको पता है काउंटिंग कितने हैं? 22 या 24 है. ओके, तो कब आप पढ़ाते हैं और खुद कब पढ़ते हैं? हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते भी और पढ़ते भी. अच्छा, साथ में ज़्यादातर पढ़ते हैं. हम लोग टेबल्स पूछते हैं, सब लोग का कॉपी में टेबल्स चेक करते हैं, किसी को मेथड हाँ
अच्छा विराट, विराज अगर आप पढ़ाते भी हैं तो जो ट्रिक्स है जिन बच्चों को मैथ्स काफ़ी मुश्किल लगती है तो वो किस तरह से वो उसको इजी कर सकते हैं? मेरे पापा जी वो उसको आप कोई भी वीक बच्चा को दे देंगे एक महीना में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा मैथ्स में। आप किस तरह से उन्हें स्ट्रांग करते हैं? आपने भी तो बताया कि आप हाँ हैं। हम लोग उनको टेबल्स बोलते हैं, वो लोग टेबल्स लिखते हैं, फिर हम लोग उनको हैंड कैलकुलेशन सिखाते हैं, स्किप काउंटिंग सिखाते हैं, वेव कैलकुलेशन सिखाते हैं, ऐसे ऐसे करते करते कुछ बता सकते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, हैंड कैलकुलेटर, अगर ये वाला ये राइट हैंड है मेरा, यहाँ तक है 15, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पर 16 से 30 है, तो अगर हम लोग को 26 + 4 करना होगा तो छोटा वाला नंबर को मुंह में लेंगे और बोलेंगे 27 28 29 30, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर रुक जाएंगे तो 26 + 4 = 30 होता है। ऐसे करते करते 26 + 24 = 14 36 ऐसे करते करते हम लोग सिखा दिए हैं। ओके, तो ये मतलब ये ट्रिक्स है जो फॉलो कर सकते हैं बच्चे ना। और हम लोग पापा जी हंसाते भी पढ़ाते हैं। ओके, तो आप लोगों को भी अपने पापा की तरफ पढ़ाना है या फिर आया ही नहीं निकालना है? पापा की तरफ पढ़ाना है, साइंटिस्ट बनना है। साइंटिस्ट बनना है, ओके। मैथ का फॉर्मूला खोजना है। ओके, चलिए, तो ये विराट और विराज है जो कि 9 साल के हैं, लेकिन आपने सुना कि 9 साल की उम्र में विराट और विराज ने क्या कुछ कारनामा कर दिखाया है और 9 साल की इस छोटी सी उम्र में विराट और विराज को बहुत सारी चीज़ें याद है और न सिर्फ मैथ्स के ये जीनियस है बल्कि आने वाले समय में विराट और विराज के नाम जनरल नॉलेज के भी कई रिकॉर्ड्स होने वाले हैं और ये बच्चों को इंस्पायर कर रहे उन बच्चों को जो मैथ्स में कमज़ोर हैं और अगर ये ट्रिक्स जो कुछ फॉलो करते हैं उन ट्रिक्स के साथ अगर बच्चे भी मैथ्स में पढ़ाई करें तो फिर मैथ्स उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि बच्चों को लगता है। तो इसी तरह से मस्ती करते हुए दोनों भाई पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और यही 19 रिकॉर्ड जो अब तक विराट और विराज के नाम दर्ज है। तो आने वाले समय में अगर हम और आगे की बात करें तो विराट और विराज के नाम और कई रिकॉर्ड्स होंगे और इसी तरह से विराट और विराज का सपना है कि दोनों ही IIT क्रैक करें और साइंटिस्ट बने। तो फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी।